उधर दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने बताया कि प्रदेश में धर्मांतरण और रासुका लगाए जाने के विरोध में बीजेपी प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। बिलासपुर में नेहरू चौक पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस धरने में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश सरकार पर रासुका कानून को लेकर जन विरोधी नीति लाने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में धर्मांतरण और रासुका को लेकर विरोध प्रदर्शन की बात भी कह रही है। आदिवासी समुदाय के लोगों पर रासुका लागू करना बेहद निंदनीय है, ऐसा बीजेपी का कहना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी है लगातार इन मुद्दों को उठाती रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण का विरोध करने वालों पे रासुका लगाने की बात कही है और अभी इन्होंने तो ये तो सांप्रदायिक तुष्टिकरण की नीति कांग्रेस बना रही है।